नहीं नहीं आप 15 में उसकी प्राप्त कर सकते हैं। सर जो वाहन चोर तो करेंगे किस तरह की चोरी की घटना को अंजाम देते थे और कैसे गिरफ्तारी की गई थी? देखिए आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये SHO आशियाना और क्राइम टीम के संयुक्त प्रयास का नतीजा है जो ये गिरफ्तारी की गई है। इसमें मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ये जो आशियाना थाना क्षेत्र में इन मुलजिमों को रोकने का प्रयास किया गया, उसके बाद में जब इनको रोका गया तो इनके पास से तलाशी में एक तमंचा और एक चाकू मिला। इन बदमाशों को डिटेन किया गया तथा इनकी निशानदेही पर रेलवे ट्रैक के किनारे से 6 अन्य गाड़ियां बरामद की गई हैं। इस प्रकार के कुल मिलाकर के 7 गाड़ियां, बाइकें, 6 बाइकें और एक स्कूटी बरामद की गई है, जिसमें 4 बाइक्स डिफरेंट थाना क्षेत्र से कनेक्ट हुई हैं। इसमें एक बाइक सिधौली से चोरी की गई है सीतापुर से, और 3 बाइक हमारे ज़िले में थाना वजीरगंज, हजरतगंज और मलियाबाद से चोरी की गई हैं। 6 में से 4 बाइकें अभी कनेक्ट हुई हैं। इसके अलावा 13 बैटरियां बरामद हुई हैं। इनकी निशानदेही पर ये बैटरी चोरी का भी काम करते हैं, जिसमें से एक अपराध जो है थाना आशियाना पे दर्ज है, जिसकी 2 बैटरी बरामद हुई हैं। इसके अलावा अन्य 11 बैटरियां और एक कबाड़ी जो पकड़ा गया है निसार, इसके कब्जे से बरामद हुई हैं। कुल मिलाकर के 3 बदमाश अभी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम है मनोज कुमार, ये ककोरी का रहने वाला है, और 2 अन्य साथी इसके बबलू और विपिन, ये बबलू फरार है अभी जो गैंग लीडर है, और विपिन गिरफ्तार हुआ है, तथा निसार जो कबाड़ी का काम करता है वो गिरफ्तार किया गया है। सर गाड़ी क्या करते थे ये लोग चोरी करने के बाद? देखिए बेसिकली इनका काम है पुरानी गाड़ियों के कागज़ लेकर के, इन गाड़ियों के चेसिस नंबर मिटा करके, इनके ऊपर पुरानी गाड़ियों के जो डिस्पोज ऑफ हो गई उनकी गाड़ियों के नंबर छाप करके नए कागज़ तैयार करके उनको बाजार में बेच देना। आरटीओ को भी कर्मचारी भी शामिल है नए कागजों में बनाने के लिए? नहीं, उसके लिए किसी आरटीओ कर्मचारी के शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हमारी जानकारी में अभी आया है, ये जो गाड़ियाँ डिस्पोज हो जाती है, जो कबाड़ी के यहाँ पे कटने के लिए चली जाती हैं, उनके कागज़ ये प्रिक्योर करते हैं, इन चोरी गाड़ियों पर कागज़ लगाते हैं और उनके नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेंज कराते हैं और उनका उनको आगे बेचते हैं। ये गाड़ियाँ कब चोरी हुई थी ये ट्रैक कर लिया गया है अभी? क्या उन वाहन स्वामियों से संपर्क किया गया है कि कब चोरी हुई थी, कैसे चोरी की गई थी इनके द्वारा? देखिए मैंने जैसे बताया आपको, 4 गाड़ियाँ अभी 6 बाइक से बरामद हुई हैं, उनमें से 4 बाइक कनेक्ट हुई हैं, उनके आईओज को, थानों को संपर्क कर लिया गया है, उनके ओनर्स को संपर्क कर लिया गया है, जो अपनी गाड़ियाँ लेंगे, रिकवर कराएंगे, अपने न्यायालय से रिलीज कराएंगे। बाकी 2 गाड़ियाँ और एक स्कूटी अभी शेष है, जिसको हम कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये भी प्रयास है कि हम ये देखें कि ये नंबर की गाड़ियाँ किसी अन्य अपराध में तो इस्तेमाल नहीं हुई है, अभी इस पर भी हम प्रयोग कर रहे हैं। क्या कुछ और भी मुकदमे इन गिरोह के खिलाफ दर्ज हुए हैं? कितनी गाड़ी बेच चुके हैं लोग इधर? ये एक्चुअल में अगर बताना चाहूँ तो ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट ग्रोह है एक तरीके से, जो अभी हमारे संज्ञान में आया है। इस बात पर भी हम प्रोब कर रहे हैं कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट की बजाय इंटर स्टेट तो नहीं है, क्योंकि इनका जो गैंग लीडर है बबलू नाम का, जो ककोरी का रहने वाला है, वो अभी यहाँ से काम करने के पश्चात हैं। अच्छा।